सा लेट हुआ है लेकिन बहुत स्पेशल है। अरे नहीं आलू बनाया आलू दिस पिसा गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो गाइस मेरे चैनल पे सबका स्वागत है। तो थंबनेल देख के ऑब्वियसली आप लोगों को मालूम हो गया होगा आज कौन सा वीडियो बन रहा है। तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोगों की जानकारी के लिए। तो आज मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए थोड़ा बहुत स्पेशल घर पे बन रहा है। तो मटन बन रहा था, तो मटन जो मेरा हस्बैंड जी बना रहे थे और मैं यहाँ पे धूमधाम से काम कर रही थी। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना गाइस, क्योंकि थोड़ा बहुत शाम को खास कुछ रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मटन करी बन रही थी। एक्चुअली ना मुझे मटन बनाना नहीं आता, हस्बैंड को ही आता, इसलिए वो बना रहा था। और मैं यहाँ पे काम कर रही थी, कपड़ा वगैरह धो रही थी, घर की साफ़ सफाई में लग गई थी मैं। इधर देखिए मेरा लड़का विराज को, तो वो दिवाली की तैयारी में लग गया था। एक्चुअली उसको प्रोजेक्ट दिया था दिया को पेंटिंग करने के लिए, तो वो सब कर रहा था वो। और इधर मेरा हस्बैंड है, वो मटन बना रहा था। तो मैं वीडियो शूट कर दे रही थी उन लोगों को। तो मेरा कपड़ा धो के ख़त्म हो गया था, इतना सारा कपड़ा मैंने आज धोया है। तो इसको सुखाने के लिए जा रही थी, तो पहले का बहुत सारा ड्राई क्लॉथ बाहर में था, तो उसको पहले अंदर करती हूँ। तो मेरा एक प्रॉब्लम है गाइस, मेरा घर पे वॉशिंग मशीन है, फिर भी मतलब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी वॉशिंग मशीन में आप कपड़ा धो लो साफ़ नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है मालूम नहीं, मुझे ऐसा लगता है मतलब साफ़ नहीं होता है। मतलब मैं खुद के हाथों से पूरा रगड़ रगड़ के जितना टाइम तक कपड़ा नहीं धोऊंगी ना, तब तक मन को शांति नहीं मिलता है। तो इसलिए ना गाइस जितना हो सके मैं खुद के हाथों से ही कपड़े धोती हूँ, और कभी कभी अगर टाइम नहीं मिलता है तो मैं वॉशिंग मशीन में धोती हूँ। तो देखिए गाइस मेरा हालत क्या हो गया है, काम वाले भाई से भी बदतर हो गई हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए मटन बन के रेडी हो गया है, तो खा सकते हैं अभी, पानी डाल लेते हैं, टेस्टी हो रही है। और इधर में मेरा लड़का देखिए कलर लेके खड़ा हो रहा है, उसका मतलब कंप्लेन ही खत्म नहीं होता। ये हुआ है तो यहाँ पे देखिए गाइस मैंने चावल के ऊपर दाल चढ़ा के ऐसे कभी कभी शॉर्टकट में मैं बना देती हूँ, क्योंकि मेरा घर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा लड़का। क्योंकि मेरा लड़का ना मछली खाता है, ना मीट खाता है, चिकन वगैरह कुछ भी नहीं खाता है, सिर्फ उसको दाल 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 चाहिए। इसलिए मैंने कभी कभी ना ऐसा शॉर्टकट करती हूँ। और यहाँ पे मटन बन के रेडी हो गया था, तो मैं चेक करने के लिए दो पीस तीन पीस ऐसे लेके जा रही हूँ खाने के लिए। तो अभी सबके लिए मैं पापड़ फ्राई कर रही थी। दोहर के साथ होता है और अभी मैं जो दाल चावल के ऊपर बॉईल किया था उसका मैं तड़का लगाऊंगी। तो कैसे करती हूँ गाइस देखिए, उसको पहले ना ये टोमेटो और रेड चिली दिया था, इसको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैं नमक और हल्दी ऐड करके इसको मैं अभी तड़का लगाऊंगी, थोड़ा सा प्याज देके, जीरा दिया है मैंने।
तो मटन का कलर देखिए गाइस, मटन भी रेडी हो गया है खाने के लिए। और इधर में मेरा हस्बैंड जो सबके लिए खाना परोस रहा था, तो एक्चुअली मेरा हस्बैंड जो ना मुझे बहुत सारा हेल्प करता है घर में जब भी रहता है। तो यहाँ पे दाल बन के भी रेडी हो गया है, देखिए गाइस मैंने शॉर्टकट में दाल कैसे बना लिया है। और यहाँ पे मैं विराज के लिए एक अंडा फ्राई कर रही थी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाता है इसलिए अंडा से ही खाएगा वो। अरे बात की है मैंने बाबा, पता कितना होता है तो हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया था, और इधर में मेरा लड़का का लंच करके ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और किचन का हालत देखिए गाइस, तो ये सब मैंने फटाफट से क्लीन कर लिया था, तो ऐसा हालत में मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो किचन वगैरह सब क्लीन करके थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शाम को मैंने दिया वगैरह जलाया, पूजा किया घर का, और चाय वगैरह बनाया था। तो दुकान से चम्मच से और रसगुल्ले लेके आए थे, तो उससे हम लोग चाय पी रहे थे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे कुछ मतलब सेलिब्रेशन वगैरह करेंगे, केक कट करेंगे। केक तो एक्चुअली घर पे लाएंगे, घर पे कट करेंगे। तो विराज है बच्चा को कुछ खिला देंगे, वो लोग तो मतलब जिसका भी बर्थडे हो वो लोग ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इसलिए। तो मेकअप वगैरह तो नहीं किया है अभी, मैं करना स्टार्ट करती हूँ गाइस। तो चलो गाइस लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। तो ये मैंने आउटफिट पहना है मेरा आज, आप लोगों को ऐसे दिखाई नहीं देगा, तो मैं लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी मैंने क्या पहना है। तो गाइस थोड़ा सा कपड़ा को चेंज किया जा रहा है, मतलब इतना बदतर चेहरा है, अपने फाउंडेशन बिना फाउंडेशन लगा के कहीं पे जा भी नहीं सकते। देखिए पिंपल छूट गए फिर से। खराब चेहरा भी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी लगता है, और कभी कभी दूसरों को देख के भी लगता है बाप रे इतना खराब चेहरा है। तो गाइस देखिए, तो मैं रेडी हो गई हूँ, ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, और मैं ड्रेस दिखा दी हूँ आप लोगों को। रुके रुके रुके, कहीं पे फ़ोन रख देती हूँ। बदमाशी कर रहा था, तो उसका पापा उसको डांटा, तो देखो किससे गुस्से से जा रहे थे। तो हम लोग घर से निकल चुके थे, तो देखिएगा लाइटिंग वगैरह, ऑब्वियसली अभी दिवाली के टाइम है, कल तो दिवाली है। तो मेरा तो 30 अक्टूबर को बर्थडे है, तो 31 और 1 नवंबर को दिवाली है, इसलिए आप लोगों को लाइटिंग वगैरह भी दिखाई देगा आज। तो अभी हम लोग सिटी सेंटर जा रहे हैं, देखते हैं जाने के बाद क्या करते हैं क्या खाते हैं। तो अभी से बोल दूंगी तो सरप्राइज़ क्या होगा बोलिए आप लोग। तो फाइनली अभी हम लोग सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं गाइस। तो
सिटी सेंटर के अंदर जाने के बाद मेरा हस्बैंड और मैं जो केक ढूंढ ढूंढ के इधर से उधर हो रहे थे, क्योंकि जो केक मिल रहा था उसका फ्लेवर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे ना बटर स्कॉच वेनिला ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वहाँ पे चॉकलेट वगैरह था तो पसंद नहीं आ रहा था। लास्ट में कुछ ऐसे ले लिया था लास्ट में, तो लेने के बाद हम लोग बैठे हुए थे कुछ खाने के लिए, तो ऑर्डर वगैरह कर दिया था वहाँ पे। पहले से आपको ऑर्डर और पेमेंट करना पड़ता है, तो हम लोग अभी रुके थे। और इधर में देखिए विराट जो मुंह फुला के बैठा था, उसको मोबाइल चाहिए था इसलिए। तो गाइस अभी इसे पिज़्ज़ा वगैरह कुछ ऑर्डर किया है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो पिज़्ज़ा वगैरह कुछ ऑर्डर किया है, अभी तक नहीं आया है, वेट कर रहे हैं हम लोग कब खाएंगे कब खाएंगे बोल के। तो यहाँ आने के बाद मैं खुश हो जाती हूँ, मतलब खाने का चीज़ देख के। तो चलो भाई पिज़्ज़ा आ गया है, फटाफट से खाते हैं। लड़का का खुशी देखिए, बाप रे इतना गर्म है फिर भी वो टच कर रहा है, मतलब कब खाएंगे ऐसा लग रहा है उसका भी। थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन बहुत स्पेशल है। तो इतना सारा खा के पूरा पेट फुल कर दिया है और पेट पे जगह नहीं है गाइस कुछ खाने के लिए। तो अभी तो घर पे जाके केक कट करना बाकी है अभी। तो गाइस देखिए सिटी सेंटर को सजाया है, तो हम लोगों का हो गया। तो सिटी सेंटर से निकल चुके थे गाइस, निकल के अभी हम लोग घर जा रहे हैं, थोड़ी देर ही बाद हम लोग घर पहुंचेंगे। तो गाइस आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मेरा लॉन्ग वीडियो में थोड़ा सा भी मतलब व्यू नहीं आता है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, क्योंकि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो केक कट करते हैं चलो गाइस। सब्सक्राइब मोर गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।